हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड मोड पे जो रिवॉर्ड्स आए हैं उसे कलेक्ट कैसे करें। उसके लिए आपको 10 मैचेस खेलने हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड मोड का। तो भाई उसके लिए दिखा देते हैं कि कैसे खेलना है और क्या करना है उस मोड में। तो यहाँ से हम जैसे जाते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड सेलेक्ट कर लिए। तो ये मैंने सोलो का लगा लिया, रुको इसको स्क्वाड कर लेता हूँ मैं। स्क्वाड में खेलते हैं। तो भाई इसको जीतना कैसे है और क्या करना रहता है इसमें मैं आप लोगों को फुली डिटेल में बता दूंगा। ठीक, तो जैसे ये गेम स्टार्ट हो गया तो भाई देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मोड का ऐसे कुछ है। भाई थोड़ी देर बाद मेरे को यूएमपी सेलेक्ट, इस समय गनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग अगर अपने स्क्वाड के साथ खेल रहे हो तो उन तीन बंदों को बोल दो भाई कि आप फाइट करो, मैं कैप्चर करता हूँ जो जगह पे जाना है। जैसे इसमें कैप्चर का ऑप्शन देगा, आप लोगों को दिखा देगा कि कैप्चर कौन सा बेस करना है आपको। जैसे इसमें लिख दिया कैप्चर बेस ए, तो आपको उस बेस ए पे जाना है। वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे आप, उसके बाद कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या करेंगे तो भाई वहाँ पर आपको जैसे जो ऊपर पॉइंट बना है तो वो बढ़ने लगेगा अपने आप। ठीक, उसको आप 300 कर लेंगे तो आप मैच ये जीत जाएंगे। अगर आप उससे कम है तो आपका मतलब हार जाओगे आप। ठीक, अगर एनिमी पहले 300 पॉइंट कर लेती है तो वो लोग जीत जाएंगे, अगर आप 300 पहले कर लेते तो आप जीत जाओगे। ठीक, चलो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसी लगी वीडियो बता देना, कमेंट करके अच्छी है तो बता देना भाई।